हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में 11 चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स वी हैव डन टिल द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द एक्सरसाइज 11.2 एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड अवर डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स एंड दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द स्क्यू लाइंस दैट इज बेसिकली दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस स्क्यू लाइंस हमने देखा था द लाइंस विच नीदर बी इंटरसेक्ट नॉर बी पैरेलल वो है। मैंने आपको पहली बार इससे पहले जो लेक्चर हुए होंगे जो क्वेश्चन पर बेस्ड लेक्चर थे 13th क्वेश्चन तक मैं लास्ट टाइम किया था। मैंने आपको बोला था कि आप पहले कॉन्सेप्ट देखना स्क्यू लाइन पर बेस्ड तभी यहाँ पर आना और आप तभी आए भी हैं, ठीक है ना। वरना आप देखना क्वेश्चन तो हो जाते हैं लेकिन ना जो सेंस है वो कुछ नहीं आ पाता, लगता ही नहीं है कि आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़े, क्या लगता है कि कैलकुलेशन करके आ गए बस हो गया, और यही आपको फंसाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए मैंने कह दिया कि आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट देखना चाहिए, समझना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए। स्क्यू लाइंस भी कुछ चीज़ होती है जो स्पेस में लाई करती है, समझ में आना चाहिए क्या होती है। अब क्वेश्चन करेंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है चांस। पहली बात तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बड़े ईजी है क्योंकि आप करके आ गए। चलो फिर भी एक बार कर लेते हैं एज अ फॉर्मेलिटी क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट टाइम 13 तक किया था। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दे देखिए लाइन वेक्टर फॉर्म में लाइन गिवन है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k सॉरी माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j प्लस 2k कैप, 1, 2, 3, 1 माइनस 1, ओके देखो मिस्टेक एक तो यहीं पे हो गया था, ये था 1 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2, ठीक है ठीक है। मैं थोड़ी सी बातें एक बार रिकॉल कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए, बताऊंगा नहीं डेरिवेशन नहीं बता रहा क्योंकि लंबा है, मैंने डिस्कशन किया उस पर, लंबा नहीं है एक्चुअली लेकिन उस पर अगर डिस्कशन अभी करूंगा तो फिर उसका क्या फायदा आपके देखने का, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो बातें दे रखी है ना यहाँ पर आप समझते हुए चलना क्या क्या है हमें। मैं जनरली मैं सिर्फ फॉर्मूले की बस फ्रेमवर्क बता रहा हूँ आपको क्या था। एक इस तरह से हमें बोलता था फॉर्मूला कि आपको a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 की एक फॉर्म दी होगी एक लाइन की, वेक्टर फॉर्म में बात कर रहा हूँ, तो एक फॉर्म आपको ये भी दी रहेगी फिर लैम्डा टाइम्स b2 टाइप की। ये कहते थे कि जब ऐसी दो लाइन्स होंगी मतलब कैसी भी होंगी और आप जानते हैं वो ऐसे करके कहीं पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच का निकालना होगा, ये वाला कुछ भी है, ये एक लाइन है फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली लाइन है, ठीक है। सीधे फॉर्मूले पर डिस्कशन कर रहा हूं कि फॉर्मूला आता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये आता था a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर होल ओवर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस, इजंट इट। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो आप उसे पॉजिटिव ही मानना, यानी कि इस वैल्यू को हो सके तो मॉड में ले लो ऐसे करके, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेने पे कभी आंसर हो सकता है नेगेटिव आ जाए कॉस के कारण, तो आप उसे पॉजिटिव कर लेना, ठीक है ना। समझ में आ बात, ये आपका फॉर्मूला है, क्लियर है कि नहीं है बात। अच्छा ये a1 a2 ये है, जब जैसे इसका a1 था ना कोई पॉइंट a1 रहा होगा ऐसे कर, इसका ये कोई पॉइंट a2 रहा होगा ऐसे कर, तो a1 वेक्टर ये है ओरिजिन से करें, मैं बता रहा हूँ हल्की हल्की बातें ताकि आपको बस रिमाइंड करें, समझ में ना आए आपको बातें रिमाइंड करें, आपको रिकॉल हो जाए बातें कि आपने पढ़ी है लास्ट टाइम। ये एक पोजिशन वेक्टर, ये एक पोजिशन वेक्टर, ए वन वैक्टर ए टू वैक्टर वो है जो दिख रहे हैं, वो ए वन वैक्टर है वो ए टू वैक्टर है, ठीक है। बाकी बी वन वैक्टर इसके पैरेलल एक वैक्टर है, बी टू वैक्टर उसके पैरेलल एक वैक्टर, बस ये सारी बातें सारी की सारी आप समझ गए बातें, मैंने समझा दी कि ये स्टोरी के पीछे की बात है, ठीक है। अब आते हैं काम पर, a2 वेक्टर मैंने सुन अभी करें, आप एकदम से कंपेयर करें, ये आपका डेफिनेटली a1 वेक्टर टाइप होगा, ये आपका डेफिनेटली b1 वेक्टर टाइप होगा, तो ये आपका फिर a2 वेक्टर है और फिर ये आपका उस हिसाब से b1 वेक्टर है, तो b2 कह लेते हैं। ये आराम से करो ना काम, अब साफ साफ दिया हुआ है, मतलब बहुत ईजी काम है, बहुत ही ज़्यादा ईजी काम है, ठीक है ना। a2 में से a1 को माइनस करना क्या मुश्किल है इसमें, अभी तो देखो सिर्फ फॉर्मूले रखकर काम करना, मैं बता रहा हूँ कि क्लास अभी जो 2018 है उसमें ये आ चुका है एग्जाम में एग्जैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन, हाँ वैल्यूज बदली होंगी वो मैंने नहीं देखी क्या थी लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट आया, 3 मार्कर क्वेश्चन है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि सिर्फ फॉर्मूला लगाकर काम चला देते हो या फिर तरीके से जैसे मैंने डेरिवेशन किया उस तरीके से काम करते हो, डेरिवेशन वाले तरीके से करोगे वो भी बहुत अप्रिशिएबल है।
ठीक है ना। और ये चिंता में मत रहना, क्योंकि ना जैसे कि आप थोड़े प्रीबोर्ड भी आप दे रहे होगे, पता चल ही जा रहा होगा कि टाइम का क्या मैनेजमेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा टाइम से पहले हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा मेरा तो टाइम से पहले हो जाता था पेपर, क्योंकि ट्वेल्थ में, टेंथ में नहीं होता, ट्वेल्थ तक आप बहुत ज्यादा मैच्योर आते हैं इसलिए हो जाता है। तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आराम से आपकी चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए करो, पेपर को मजे देते हुए करो। ये नहीं कि बस पेपर में सिर्फ नंबर पाने हो गया बात खत्म, नहीं। पेपर में अगर आपको पता है 3 मार्कर क्वेश्चन है, एक बार पहले से प्रैक्टिस करके देखो इसको, एक बार पूरे कंप्लीट मेथड से करो, यानी कि ये भी निकालो कि ये कैसे आया एज अ डेरिवेशन टाइप में। और क्योंकि आप वो डेरिवेशन लंबा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वहीं पर उसके काम वहीं पर हाथों हाथ कर लेंगे, तो शॉर्ट में निकल के आ जाएगा फटाफट, ठीक है ना। तो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा वैसे करने की कोशिश करना, लेकिन नहीं बाई चांस आपके पास टाइम नहीं हो पा रहा बहुत ज्यादा यार, ऐसे ही कर लो। बाकी अपनी स्कूल टीचर से भी थोड़ा सा सजेशन ले लेना। a2 वेक्टर - 7 वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करो, 2 - 1 कितना होता है 1, -1 - 2 कितना होता होगा -3, -1 - 1 कितना होता होगा -2 के। ये a2 वेक्टर - 7, कोई कोई इसे b1 × b2 / b1 / b2 है ना, इस क्रॉस है तो मॉडुलस उसी का, तो कोई कोई b1 × b2 का कैप कह लेता है सीधे, तो यहीं पर ऐसे कहता है a2 - 7 · b1 × b2 का कैप, कैप में ये आ जाता है ना यूनिट वेक्टर में। और स्टोरी तो बाकी आप जानते ही, डॉट प्रोडक्ट लगाता हूँ b1 × b2। अच्छा अब आया हमारा काम वर्किंग, अब आई स्टार्ट हुई, इसको थोड़ा सा रब करना चाहूंगा, रब कर रहा हूँ इसे, क्योंकि इसका अब मैंने जो समझाना था वो समझा दिया। अब सिर्फ b1 × b2 का जो एक कैलकुलेशन पार्ट है वो छोटा सा ही है, तो मुझे लगता है अब ऐसी फॉर्मूले पे ही काम करना है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन तो है ही, 3 मार्कर के लायक कैलकुलेशन हो ही जाता है। b1 × b2 है तो क्या करोगे, ij k कैप, b1 के प्लेस पे vn के लिए 1 - 1 - 1 कोफिशिएंट्स ना, 1 - 1 - 1 जो पहले बोला रहता है उसी को करना पड़ता है। b1 पहले, तो b1 को लिखा पहले, b2 मतलब 2 - 1 - 2, बस होता कुछ नहीं है, नेगेटिव का फर्क आता है अगर b2 × b1 करते हैं। अब नेगेटिव का तो खैर मॉड होना ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, किसी को b1 b2 मान सकते थे, ठीक है। करें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हो, ये तो -1 × 2 - 2, माइनस के साइन के साथ 1 - 1 = 1, माइनस का जे कैप लेते हैं ऐसे कर 1 - 2 = 2, माइनस का 2 - 1 = 2, प्लस के कैप लेते हैं ऐसे कर, ये 1 - 1 = 1 होता है, माइनस के साइन के साथ -2 आएगा तो +2 हो जाएगा, इजंट इट क्लियर है। ये माइनस का 3i कैप हो जाएगा, ये माइनस वो तो जीरो हो गया ना, जीरो हो गया 3k कैप, यानी कि यहां पर आपका विद नेगेटिव साइन 3i कैप +3k कैप विद नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना नेगेटिव लगा रखा है मैंने आगे, ठीक है ना, आप तरीके से लगा लो। अभी ये जो आया आपका b1 × b2 इसका मॉडुलस सी है नीचे पे, तो यहीं से हाथों हाथ ले लेते हैं, कितना आएगा बताइए जरा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 - 3 का स्क्वायर 9 होता है, +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, ये आया, मॉडुलस लगा दो क्योंकि आंसर नेगेटिव आएगा तो उसे पॉजिटिव कर लेंगे। ये है स्टोरी बस, ठीक है, इसे मैंने हटा दिया यहां से। एक छोटा सा काम करना है कैलकुलेशन का, देखो स्टूडेंट्स डॉट ले रहा कोई मुश्किल बात नहीं है, आई का आई के साथ, -3 का इसके 1 के साथ लो, -3 होगा, -3 का, अब यहां ध्यान से करना काम, 0 j कैप लिख देना चाहे तो, आपको पता है j कैप का कोई भी नहीं है मल्टीपल, तो 0 × -3 जीरो हो जाएगा, इसलिए वो 0 है, -2 × 3 क्योंकि k कैप का k कैप के साथ होगा ना, j कैप का j कैप के साथ, j कैप का वहां कुछ था नहीं तो 0 × -3 हुआ, k कैप का यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, दैट इज -6 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अभी 9 कितना होता है √18, आप देखो कि d = ऊपर -9 आ रहा है, इसीलिए कह रहा था मॉडुलस लेके जाना, -9 / √18 क्या मतलब है उसका, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, सीधे से बात करो उसका मॉडुलस ले लो, क्योंकि डिस्टेंस ही है ना। मैं अब मुझे लगता है स्क्वायर रूट नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करते हैं ऊपर भेज लेते हैं, क्योंकि चांस भी है उसके कट होने के, रैशनलाइज कर देना, रेडिकल नीचे नहीं रहना चाहिए वैसे, तो ये 9 √18 / 18 हो जाएगा, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, तो ये आपका एक तरह से √18/2 आया, ठीक है ना। और कोई कोई हो सके तो 18 को ऐसे कर ले, 2 9s are 3 3s are 3 1s are, कोई इसे 3√2 भी कह सकता है, 18 को कितना कह सकता है 3√2, कोई ऐसे कह सकता है, तो ये आपका एक हिसाब से आंसर है, क्योंकि अब ज्यादा मत करना, पीछे यूनिट लिख देना, आंसर क्या है मेरा 3√2/2, क्लियर है, बस इतनी सी बात होती है। तो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से आप ये फॉर्मूला रखकर भी कर लो सही है, लेकिन मैं कह रहा था एक्स्ट्रा टाइम है, बाई चांस से कभी 3 मार्कर से ज्यादा का आ गया ना, तो फिर तरीके से करना बिल्कुल जो मैंने डेरिवेशन में करा रखा है उससे, 3 मार्कर तक क्वेश्चन आएगा ऐसे कर लेना, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना, तो वैसे कर लेना। और होता ही है ना, मैं आपको डेरिवेशन के थ्रू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला रखते समय फील भी नहीं आता, मतलब हो सकता है कहीं कोई याद करके चल रहा हूँ, और मेन जब आपका टाइम आता है वहां भूल जाएंगे फिर देखना, अगर याद करके चल रहा हूँ तो।
या तो फिर बहुत ज्यादा बार इंप्लीमेंट करो उसे, तो फिर याद भी हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. अब लिखा है x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू y प्लस 1. देखो एक ही बात है, ये एक्सरसाइज आपकी किस पर बेस्ड है? एंगल पर बेस्ड थी आपकी एक्सरसाइज, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पर बेस्ड थी, एंगल पर बेस्ड थी और आपकी इस डिस्टेंस पर बेस्ड है. एंगल आए तो उन्होंने दोनों तरह से निकलवाए, एक कार्टेशियन के लिए, एक पोलर के लिए, सॉरी वेक्टर के लिए. मैं पोलर कह दे रहा हूं कभी कभी ना. हाँ, तो वैसे ही आप कर रहे हैं. अभी उन्होंने इससे पहले पोलर फॉर्म के लिए आपसे, इससे पहले उन्होंने वेक्टर फॉर्म के लिए आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलवाया, अभी आपके लिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए निकलवा रहे हैं. 15 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं. माइनस 6 जेड प्लस 1 ओवर 1 एंड एक्स माइनस 3 ओवर 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 7 ओवर 1. ये x प्लस 1 बाई 7, y प्लस 1 माइनस 6, z प्लस 1 बाई 1, x माइनस 3 बाई 1, y माइनस 5 बाई माइनस 2, z माइनस 7 बाई 1. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, ऐसा बोला गया. क्या बोला गया? फाइंड द, यस, क्या बोला गया? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स. अब ये बोलता नहीं कोई स्क्यू लाइन से, क्योंकि थ्री डायमेंशन में स्क्यू ही लाइन मान लिया जाता है. नहीं भी होती तो वो जनरल लाइन की इक्वेशन जो आपने निकाली, तो इनके बीच में वही काम करना है जो हमने स्क्यू लाइन पर किया है, यानी कि जो अभी किया था. अब ना कार्टेशियन फॉर्म का मैंने वहीं पर बताया था कि वेक्टर फॉर्म आती है, कैसे कार्टेशियन निकालते, इजी है. अब देखो मुझे तो याद है कि क्या होता है फॉर्म, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि इतने ज्यादा याद करोगे तो कैसे कर पाओगे आप याद? अब डेरिवेशन भी बार बार नहीं कर सकते. एक याद हो गया था आसानी से, क्यों ना उसी पर काम चलाए. आप बोलो इतना तो हमें याद है, अभी हमने देख लिया था, क्योंकि जो दो पोजीशन वेक्टर्स होते थे उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था, ये वाला उसका डॉट होता था बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू, इतना तो याद हो भी सकता है. लेकिन अब वो भी करें फिर उसमें कोई भी हल्का सा भी एरर हो जाए, क्वेश्चन हिल जाएगा, तो ऐसा करो उसे याद मत करो. अब कर सक रहे हो तो कर लेना, फिर आप बुक में भी देख लेना, या तो ऐसा कर सकते हो कर लेना, अदरवाइज मैं इसी से आगे बढ़ाता हूं बात को. मैं बोलता हूं ऐसा होता था, कुछ नहीं करूंगा, फटाफट ए वन ए टू और बी वन बी टू को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा ना ऊपर से देखकर. करे जा सकते नहीं जा सकते मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इसमें से मैं क्या क्या बोल सकता हूं? एक्स माइनस माइनस वन टाइप के फॉर्म है ना ये, वाई माइनस माइनस वन की टाइप की फॉर्म है, जेड माइनस माइनस वन की टाइप की फॉर्म में है कि नहीं है? तो हमने एक्स वन वाई वन जेड वन फाइंड कर लिए कि नहीं कर लिए? माइनस वन माइनस वन माइनस वन, क्लियरली देखना, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स वन वाई वन. ये कौन है जहां से आपकी लाइन पास करती है? ये वो पॉइंट्स थे. और अगर मुझे इससे रिलेटेड वेक्टर बनाना हो तो उसको हमने अपनी r इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर टाइप में, इसमें ए वन ए टू नाम दिया, यानी इसके वाले पॉइंट को ए वन वैक्टर कह दिया. तो वैक्टर बना दो इससे रिलेटेड, समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो दो लाइन्स है ना आपकी, इस लाइन के बारे में देखकर इतना पता चल गया कि ये लाइन माइनस वन माइनस वन माइनस वन से जाती है, यानी कि ये लाइन अगर ऐसे जाती है तो इसका पोजिशन वैक्टर ये होगा ना, और यही वैक्टर को ए वैक्टर कहते हैं इस इक्वेशन में. ऐसे दूसरे वाले को देखो आप, 3 5 7 सीधे दिख रहा है, क्योंकि x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन से कंपेयर सीधे किया जा सकता है, यानी वो समझ में आ रहा है कि वो कहीं 3 5 7 से होकर पास करती है, ये लाइन ऐसे पास करती है. तो इसका भी पोजीशन वेक्टर निकाल लो ओरिजिन से कनेक्ट करके. अब इसको एक नया नाम दे दो, ए टू वेक्टर दे दो, ये है ए वन ए टू वेक्टर. तो मैं क्या कर रहा हूं, वहीं से एक्सट्रैक्ट कर दे रहा हूं बात को, ठीक है ना? वो तो समझा रहा हूं, इससे थोड़ा सा लेंदी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं. इसके लिए भी वही सिमिलर काम करो, x2, y2, z2 पहले फटाफट निकालो कि कहां से होकर लाइन पास करें. आपको पता चला 3, 5, 7 ही है, सीधे कंपेयर करके पता चल रहा है. तो आप बोलोगे अच्छा, तो इसका मतलब उससे रिलेटेड पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये वाला 3i क्या प्लस 5j क्या प्लस 7k क्या? तो बताओ, आपने a1 भी निकाल दिया, a2 भी निकाल दिया. रही बात b1 b2 की, तो b1 b2 कहां से निकलते हैं? b1 और b2 होते क्या है? इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर था, इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर था, इस वाले को b1 कह लेते हैं क्योंकि a1 के पैरेलल था, इसे b2 कह लेते हैं क्योंकि a2 के पैरेलल था. निकालोगे कैसे? नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज क्या करने दिए, के लिए दिए, इसीलिए तो दिए. फॉर्म आराम से कंपेयर कर लिया हमने पूरी तरीके से, जो अभी तक सीखा है फॉर्म कंपेयर कर लिया. अब जो डेफिनेटली नीचे बचे हुए वो डायरेक्शन रेशियोज ही है, लेकिन बात ध्यान रखो जो नीचे बचे होते हैं वो हमेशा डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ऐसा किसी ने नहीं क्या रखा. फॉर्म को कंपेयर करना पड़ता है, ऊपर से फॉर्म कंपेयर्ड है, तो अब नीचे वाले जो डायरेक्शन रेशियोज है डेफिनेटली, तो बी वन वैक्टर उनसे रिलेटेड क्या बनेगा? 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप, दैट्स इट. ये बी वन निकल गया. ऐसे ही बी टू निकाल लो, ऊपर कंपेयर किया है हमने, लाइन की इक्वेशन करेक्ट बन रही है, तो नीचे वाले ही आपके डायरेक्शन रेशियोज है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. बस सब आ गए हाथ में, बस ये कह रहा था मैं. अब आपकी, आप पे डिपेंडेंट है बात कि आप चाहते हो कि आप वही फॉर्मूला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला देखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्या हमने जब स्क्यू लाइन निकाली तो हमने भी तो किया था ना यही काम,
हमने जनरल लेकर किया था a1 a2 a1 के वेक्टर को हमने x1 i कैप y1 z कैप z1 k कैप करके डाला था, उसको x2 i कैप ऐसे करके डाला था और ये वो निकल जाता था। तो मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो देखने में लंबा सा लगता है, जिन्होंने वो नहीं कर रखा वो समझेंगे क्या क्या हो रहा है। मैं आपको कोरिलेशन दिखा रहा हूँ, अदरवाइज जिनको याद है वो तो बहुत बढ़िया बात है ना, वरना मैं तो प्रोसीजर बता रहा हूँ कि उस समय जब हम डेरिवेशन किया था तब भी हमने ऐसे ही निकाला था, अभी भी ऐसे ही निकाल रहे हैं। अब कोई मतलब नहीं कहीं नहीं जाने की x1 y1 z1 में, अब सीधे सीधे काम हो गया, सब आपके हाथ में ही हड़ा लो। उससे पहले आपको पता है एक छोटी सी नीड होगी b1 क्रॉस b2 निकालने की, ऐसे करो i कैप j कैप k कैप b1 देखो 7 माइनस 6 प्लस 1 ठीक है, b2 देखो 1 माइनस 2 1 कोफिशियंट्स ना, क्लियर करते हैं इसे जरा, देखो जरा i कैप -6 1 0 -6 माइनस के साइन के साथ -2 आएगा, वो -2 से +2 कर देगा, फिर माइनस का j कैप आएगा ऐसे ऐसे 7 1 0 7 होगा, माइनस के साइन के साथ 1 1 0 1 हो जाएगा, प्लस के कैप करोगे 7 2 0 -14 होगा क्योंकि माइनस के 2 के समेट होगा, माइनस का साइन आएगा लेकिन ये -6 आ जाएगा उसे वो प्लस कर देगा, समझ जाओ आराम से बात। माइनस का 4 आई कैप हो जाएगा, ये 6 माइनस का 6 जे कैप हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा 14 प्लस 6 है ना, हाँ 14 प्लस 6 कितना देगा माइनस का 8 के कैप, यहाँ से समझो -14 है +6 ये निकला b1 क्रॉस b2। अब क्योंकि आपको पता है इसके मॉडुलस की रिक्वायरमेंट भी नीचे पे, ऐसा करो इसका मॉडुलस भी निकालो, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, माइनस है तो कोई बात नहीं स्क्वायर होने पर, 64 36 100 होता है, 100 और 16 116 होता है, यानी कि समझ में आ गया ये 116 है स्क्वायर रूट के अंदर। बस अब कुछ नहीं करना, आराम से इन सबको हटाकर इनकी वैल्यूज लिख देनी है, ठीक है ना, आराम से देखो डी निकालने में a2 - a1 आराम से, वो a2 है ये a1 है, 3 माइनस माइनस कितना हो गया +4, 5 माइनस माइनस कितना हो गया +6, 7 माइनस माइनस कितना हो गया +8 के क्या, क्लियर है, a2 - a1 निकाल दिया, डॉट ले लो b1 क्रॉस b2 आपने अभी निकाल के रखा हुआ है पहले से, पता था आपको ये जरूरत पड़ेगी, -4 आई कैप -6 जे कैप -8 के कैप, नीचे आपने क्वांटिटी निकाल के रखी है, ये प्रॉब्लम है इसमें क्या, कुछ भी नहीं है, बस ये आपके सामने है सारी बातें, ठीक है ना, बस यही है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ऐसे कर लो या फिर वैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, क्योंकि आपने अगर डेरिवेशन कर कर आया तो आपको तो फिर फॉर्मूला याद होगा ना x1 y1 वाला, ठीक है, अदरवाइज ऐसे करने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है आपको, 4 4 16 जाएगा माइनस का डॉट ले रहा हूँ, 6 6 36 हो जाएगा माइनस का, मॉडल्स लेकर बात करते हैं, 8 8 माइनस का 64 हो जाएगा। अच्छा ये भी बड़ी अच्छी बात आई, देखो कैसे रिलेशन आ रखा है एकदम वही टाइप के, ठीक है ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो भी है मैं चाह रहा था डिस्कशन करना लेकिन अब खुद सोचना है इस पर कुछ बात है। ये बेसिकली a वेक्टर डॉट माइनस a वेक्टर है, इसका आंसर आएगा माइनस का मॉडल्स ऑफ a स्क्वायर, यानी कि a का मैग्नीट्यूड, यानी कि ऊपर वाले का आंसर ना 116 ही आएगा, देखना हाँ देखो आ ही रहा है, यही मैं कह रहा था आपको ऑब्जर्वेशन की बात, ठीक है ना, माइनस का आएगा लेकिन, तो माइनस का आने से मॉडल ऐसे तो प्लस ही रहेगा, 116 बचेगा स्क्वायर रूट 116, ऐसा करो ऊपर नीचे कर लो, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 116। अब ये कुछ हो पा रहा है इसका तो कर लेना काम, वरना यूनिट लगा के लिख दो, जैसे कि ठीक है, तो इसको ना कोई ऐसा बोल ले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 2√29 यूनिट बोल देगा कोई, ठीक है 2√29 क्लियर है, ऐसे कर लेना, ठीक है, ये था स्टूडेंट्स आपका 15th क्वेश्चन, तो आपने देखा ऐसे करा जा सकता है, यही है बस बात, यही सिखाना चाह रहा था मैं आपको, ठीक है ना, कि ऐसे में हमने याद करने वाले काम को बहुत लेस कर दिया ना, क्योंकि वरना जो भी है चलो आप डेराइव करना जानते भी हैं उसको तरीके से जानते हैं आप पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत ये रहता है ना शक रहता है उस फॉर्मूले में कि हमने याद सही किया है क्या किया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए बोला हो तो आप उसे ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं और काम चला सकते हैं और सही माना जाएगा, आप पूछेंगे ना कि कैसे, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है आंसर चेक भी कर लेना, ऐसे भी और वैसे भी हर तरह से आंसर सही होता है। तो हमने क्या कर लिया, अच्छा 15 भी कर लिया ना, 16th क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, अगेन मतलब वही क्वेश्चन है आज के लिए, ठीक है ना, अभी थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आपको, ये मत सोचना कि मुझे आ गया, देखो मैं आपके साथ, वरना मैं भी इसे बोल देता ना कि एक जैसे क्वेश्चन कर लो,
क्योंकि यही है इस क्वेश्चन की खासियत, आपको सबको करना है ट्राई, ऐसा नहीं कि एक आ गया तो आप सोच रहे हैं कि अब नहीं बस हमें आ जाएगा करना, ठीक है। यह है एक इक्वेशन एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप 1, 2, 3 1 - 3, 2 4, 5, 6 2, 3, 1 ठीक है ना। अगेन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हूज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस, ठीक है। करें काम इस पर अपना फिर से वैसे ही, अब आपको ज़्यादा काम नहीं करना, सीधे सीधे फॉर्म्स दी गई हैं, काम करते हैं जल्दी, मतलब सीधे ही दिए गए ना, इससे पहले तो हमने थोड़ा सा वर्क किया फिर इन्हें निकाला था a1 a2 b1 b2, अभी देख है, ठीक है। सीधे काम करते हैं, सीधे फॉर्मूले लगाते हैं, a2 - a1 4 - 1 3 5 - 2 3 6 प्लस ही है ना, हाँ प्लस ही 6 - 3 3 तो लग भी रहा है कि पैटर्न एक जैसा आ रहा है, तो हाँ ठीक भी आ रहा होगा। डॉट b1 x b2 अच्छा वो निकालना है, तो b1 x b2 में आ जाओ, b1 x b2 कैसे निकालते हैं, b1 ढूंढो 1 - 3 2 b2 ढूंढो स्टूडेंट 2 3 1 आराम से इसे सॉल्व करो, i कैप -3 1 - 3 -6 -j कैप 1 1 - 1 -2 2 4 क्लियर, प्लस k कैप 1 3 - 3 -3 समझ में आ रही है, i कैप -3 -6 हो गया क्लियर, j कैप हो गया माइनस का, और फिर 1 1 - 1 -4 k कैप हो गया 3 1 - 3 -3 2 6 क्लियर है कि नहीं। ये आपका फटाफट निकाल लेते हैं, -9 i कैप माइनस का 3 आएगा वो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का 9 k कैप, ये क्या निकला आपका, ये आपका b1 x b2 निकल गया, छोटा सा काम था, और मॉडुलस निकालना ही है, इतनी सी बात है, और ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है बताइए, ठीक है। माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना होता है 81 टू टाइम्स 81 होता होगा, तो वैसे वो कितना होता होगा आपका 162 होता है, ठीक है 81 और 162 और 9 कितना होता होगा 171, किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं है, नहीं नहीं 19 9 = 171 होता है ना आई थिंक, हाँ हाँ चलो नहीं है 99 अच्छा तो अच्छी बात लगी, ऐसा बोल कर भी अच्छा हुआ 99 = 171 होता है ना, हाँ तो 9 को स्क्वायर रूट से बाहर ले आओ 3 square root 19, ये भी अच्छा लग रहा है, आप वैसे करते फैक्टराइज करके तब भी ये निकलता 3 square root 19 इसका ये है, ठीक है बस इसे हटा दिया बस b1 x b2 की वैल्यू आराम से लिखो, क्योंकि ये तो मैंने नोट कर लिया ना इतना होता है, माइनस का 9 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप सॉरी 9k कैप स्क्वायर रूट 19 × 3 ये है बस, सॉल्व करें इसे आराम से। देखो स्टूडेंट्स d इज इक्वल टू 3 × 9 कितना होता है 27 माइनस का आ गया, क्योंकि माइनस था इसके आगे लगा, 3 3 = 9 होता है 3 9 = कितना होता है 27 3 square root 19 बज रखा नीचे 9 बाई ये बज रखा, तो 3 ने 9 को कट कर दिया 3 टाइम्स तो 3 / √19 बज गया, कोई चाहे तो √19 से ऊपर और नीचे क्या कर सकता है मल्टीप्लाई, तो 3 square root 19 ओवर 19 बचेगा, हाँ ये बोल लेना ठीक है, इसलिए किया ना मैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई आपका रेडिकल ना बचे स्क्वायर रूट टाइप का, तो ये आंसर इज बेटर, ठीक है ना 3 square root 19 by 19 क्लियर है, ऐसे बोल देना, यूनिट लगा दिया करो ठीक है, पीछे यूनिट मतलब यूनिट लिख दिया करो UNIT, समझ में आई स्टूडेंट्स बात, ये थी बस बात। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने लास्ट टाइम भाई, हमने आई थिंक 16 किया था ना, 17 कर रहे हैं, हाँ फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, अभी ये क्वेश्चन देखते कोई अच्छा सा लगा क्या ये, अच्छा वो प्लेन में होता हुआ शायद ना, मुझे पता नहीं कि टी से कुछ याद आया कि ट्विस्ट करता था, शायद इसमें नहीं होगा वो, शायद
इसमें तो नहीं हो सकते ना, नहीं नहीं इसी में हो, इसी में इसी में इसी में याद आ गया। हाँ तभी मैं कह रहा था टी से कुछ ट्विस्ट होता था, मुझे लास्ट ईयर की याद आ रही है ना। हाँ ठीक है, 3-2 ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है स्ट्रेट, ये डिस्टेंस निकालने में ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जिसने एक बार कर लिया वो तो डेफिनेटली कर लेगा, लेकिन अगर आप ये सोच के चल दिए होते अभी कि एक ही काम हो रहा है तो फिर क्या होता, सोचिए। फर्स्ट है पक्का, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम कर रहा हो मुश्किल में है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो तो कुछ कर सकेगा। ठीक है, 1-TiCap प्लस T-2J-Cap 3-2TK-Cap S प्लस 1iCap 2S-1J-Cap -2S+1K-Cap। ठीक है, करते हैं स्टूडेंट्स पर काम। ठीक है ना, अब अगेन वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन बाय दिस। अब हम ढूंढने लगे, हमने बोला ये वेक्टर फॉर्म तो लग तो रही है कि वेक्टर फॉर्म जैसी हो, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि इक्वल इक्वल टाइप का x-x1=y-y, ऐसा तो नहीं, तो ये वेक्टर ही फॉर्म में होना हो। तो फिर हमने बोला क्या है, अच्छा तो हमें पता चला वो जो लैम्डा और म्यू होते थे ना वो यहाँ टी और एस हो गए। कैसे, देखो जो फर्स्ट वाला है आर इज इक्वल टू इसके ना, जो जो टी वाले पोर्शन है उन्हें अलग कर लो और जो कॉन्स्टेंट वाले उन्हें अलग कर लो। जैसे कि कॉन्स्टेंट वाले के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, कॉन्स्टेंट वाले के नीचे अंडरलाइन किया, तो 1 into i cap इसे अलग कर लिया, कॉन्स्टेंट वाला -2j cap इसे अलग कर लिया, कॉन्स्टेंट वाला 3k cap प्लस का उसे अलग कर लिया। अब प्लस करके लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होता था ना, आज लैम्डा के प्लेस पे टी है वो चीज। अब वन बाय वन करते रहो काम, टी हो गया लैम्डा के प्लेस पे, टी का कोफिशिएंट कौन है माइनस, तो -i cap, टी का कोफिशिएंट कौन है यहाँ प्लस का j cap, टी का कोफिशिएंट यहाँ कौन है माइनस का 2k cap, ठीक है ना। ऐसे ही सेकेंड वाले पर भी उसे भी मॉडिफाई कर लो, अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को, तो आई कैप माइनस का, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा होगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आने के चांस है, समझ में आ रही बात। अब एस ले लो यहां से, क्योंकि एस सबके साथ है, एस आई कैप हो जाएगा, यहां 2j cap हो जाएगा, यहां माइनस का 2k cap हो जाएगा, समझ गए आप पूरी बात। ये थी, ऐसे दी होती आप तुरंत कर लेते, ऐसे दी है तो फिर थोड़ा सा फंस जाते बात में अगर नहीं किया होता। अब ये क्वेश्चन पक्का है और आप पक्का करोगे, समझ में आ रही बात। ठीक है, अब क्या हो गया, अब तो सिर्फ ये A1 टाइप हो गया, ये B1 टाइप हो गया, ये A2 टाइप हो गया और ये B2 टाइप हो गया। आराम से हम क्योंकि जानते हैं कि क्या करना है, इसलिए सबसे पहले तो B1 क्रॉस B2 ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर बार बार पीछे आना पड़ता है इसे करने के लिए। B1 के कोफिशिएंट देखो -1, -1, -2, B2 के कोफिशिएंट देखो -1, -2, क्लियर है, आराम से करते हैं। i कैप 1-2, -2 माइनस के साइन के साथ, माइनस आएगा वो -4 को +4 कर देगा, माइनस का j कैप, -, तो प्लस हो गया 2 का, माइनस टाइम्स -2 तो +2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो -1, -2 हो जाएगा, 1 1s are 1, समझ रहे हो आराम से, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2i cap, ये हो जाएगा क्या लिखा, माइनस का 4j cap लिखा है मैंने, और वो माइनस का 3k cap। ये आपका B1 × B2 हो गया, नोट कर लेना ऐसे जगह पे, ठीक है। चलो मैं बाकी काम यहाँ पर कर लेता हूँ, मॉडुलस भी निकाल लूँ हाथों हाथ इसका। टू का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 25 और 4 कितना होता है 29, यूनिट लिख देना पीछे UNIT, स्क्वायर रूट 29 यूनिट। पूरी स्टोरी क्लियर चल रही है हमारी, ठीक है ना। डिस्टेंस ही निकालना था वही चीज, A2 - A1 · B1 × B2 होल ओवर B1 × B2। ये है बस, अब तो आपको ढंग से याद भी हो गया होगा फॉर्मूला, ठीक है ना। A2 - A1 निकालो आराम से, ये माइनस ही तो i cap तो जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, -1 - -2 तो -1 + 2 हो गया, तो बेसिकली 1 हो जाएगा, तो 1 का मतलब j क्या, -, तो ये अच्छा ठीक है, ठीक है, माइनस और ये माइनस, तो माइनस का 4k cap हो जाएगा, ठीक है, प्लस तो 2 2-1, ठीक है, समझ में आ रही बात। A2 - A1 निकाल दिया हमने आराम से, आप तरीके से ना एग्जाम में आराम से निकाल दे रहा है A2 - A1, आराम से करना, और कैलकुलेशन का ध्यान रखना बिल्कुल भी, B1 × B2 आराम से पहले से निकाल रखा, कितना निकाल रखा था, 2i cap - 4j cap - 3k cap। देखो ना डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तभी तो स्केलर क्वांटिटी आ रही है डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे ही बता दिया। स्क्वायर रूट 29
नेगेटिव से बचने के लिए पॉजिटिव लगा दिया क्योंकि डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। D इज इक्वल टू स्टूडेंट, अब आई कैप का कोफिशियंट तो है नहीं तो सीधे काम मत करने लगे ना, आई कैप का जीरो है तो जीरो से जीरो जीरो हो गया। अब जे कैप वाले का कोफिशियंट वन है, इसका जे कैप का कोफिशियंट माइनस फोर है तो वन माइनस फोर माइनस फोर हो गया। के कैप माइनस फोर है और माइनस थ्री है, माइनस फोर प्लस ट्वेल्व हो गया, स्क्वायर रूट कितना हो गया 29 है ना, ये ले लो 12 माइनस फोर कितना होगा 8, स्क्वायर रूट 29 कर लो। ऐसे तो ये आंसर है लेकिन डिनोमिनेटर को ऊपर ले आओ स्क्वायर रूट को, तो नीचे सिर्फ दोनों मल्टीप्लाई कर 29 हो जाएंगे स्क्वायर रूट, तो ये आंसर फिर भी सही लग रहा है, ठीक है ना, ये आपका ज़्यादा बेटर आंसर है, ठीक है, क्योंकि कोशिश क्या करो कि स्क्वायर रूट नीचे ना है, समझ आ रही बात। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 17, अरे क्वेश्चन नंबर 70 तक ही है, ठीक है ना, मुझे पता भी नहीं था लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, बाकी तो कर लिया ना हमने सारे के सारे 16 आई थिंक कर ही लिया हमने शायद, है ना। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट टिल द एक्सरसाइज 11.2, ठीक है ना, हमने देखा इसमें क्या क्या समझा, हमने इसमें जितने कॉन्सेप्ट थे पहले वो तरीके से समझे हैं, हमने स्ट्रेट लाइन को समझा है तरीके के साथ क्योंकि हो गया फिनिश बस, अब प्लेन स्टार्ट करना है नेक्स्ट। तो आपने स्ट्रेट लाइन स्पेस समझा, उसे आपने दो तरीके से पढ़ा, व्हेन वी हैव अ लाइन थ्रू विच आर लाइन पासेज एंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू अ रिक्वायर्ड वेक्टर, एंड द सेकंड वन केस इज व्हेन वी हैव अ टू पॉइंट्स फ्रॉम वेयर आर लाइन पासेज, ये दो केसेस थे स्ट्रेट लाइन के। फिर हमने एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स और एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स पर ही बेस्ड जो कॉन्सेप्ट था उसे समझा, फिर हमने डिस्टेंस समझा स्क्यू लाइन्स में कैसे निकलता है, यही था बस, और यही था जितना कुछ है हमने कर लिया, आपके सामने सारी की सारी स्टोरी यहाँ पर रखी हुई है ओपन करके, ठीक है ना। अब स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स प्लेन, फिर से मैं आपको कहूंगा प्लेन पढ़ने के लिए फिर से पूरे कॉन्सेप्ट पढ़कर आना, जो मैंने करा रखे हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को आप क्या करो करो, ठीक है ना, जो मैंने प्लेन के कॉन्सेप्ट बनाकर रखे हैं पहले आराम से तरीके के साथ पूरा टाइम डिवोट कर अपना देखो, टाइम डिवोशन बहुत जरूरी है, आप पूरा टाइम दो और प्लेन को समझो, फिर क्वेश्चन देखना कितने आसानी से होने वाले हैं। मैंने पहले ही कह दिया क्वेश्चन की जो की है ना वो वहीं से उकड़ जाती है, इसकी की वहीं रखी है, वो कॉन्सेप्ट में छुपा कर रखी है मैंने अंदर, ठीक है ना, शुरुआत में नहीं रखी है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो स्टूडेंट जितना कुछ बताए इन सबको रिवाइज करो, पीछे जितना कुछ होता रह रहा है उसे रिवाइज करते रहो, ठीक है ना, जो मैं आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ पोस्ट कर उन पर भी आप ध्यान दिया करो, उन क्वेश्चन को भी पढ़ा करो, उनके रिप्लाई जितने पॉसिबल हो सके उन्हें ट्राई किया करो और उन्हें एक सेपरेट नोटबुक में नोट किया करो और उनके रिप्लाई कमेंट करने की कोशिश किया करो, ताकि पता चल सके सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि कंपटीशन का माहौल बना रहे कंपटीशन का, ठीक है ना, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी उन स्टूडेंट्स को जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे क्लिक करें, थोड़ी देर बाद आपके पास बेल आइकन आता है उसे जरूर प्रेस करें, क्योंकि वही है जिससे आपके पास फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते हैं, जैसे मैं यहां से वीडियो पब्लिश करता हूं वो तुरंत आप पर विद इन सेकंड पहुंच जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में प्लेन के साथ, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।